सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल्स क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है कौन? सेल। हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो क्या है, सेल को दो भागों में डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है। हम मान लेते हैं दो भागों में सेल को डिफरेंशिएट किया गया, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल। मतलब कि एक सेल है जो लेस डेवलप्ड है, जिसके अंदर डेवलपमेंट बहुत कम है, उसको किसमें दे दिया? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। और जो सेल्स जो है वेल डेवलप्ड सेल्स, मतलब कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, उसको किसमें दे दिया? यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या है, जो बहुत ही कम डेवलप्ड है, जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स सेल ऑर्गेनेल्स बहुत कम प्रेजेंट है, मतलब कि एब्सेंट है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है, बहुत ही लेस डेवलप्ड है। सेल्स के हमने टाइप्स पढ़े थे, एक होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था कौन कौन किससे टाइप्स होते हैं, न्यूक्लियस किस किस से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था उसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म था उसमें, क्रोमेटिन मटेरियल था उसमें, और क्या था, न्यूक्लियोलस था। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो गई, तो वो किसमें आ गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। जो हमने चार्ट बनाया था लास्ट वीडियो में, उसमें से कोई भी सेल्स कोई भी ऑर्गेनेल्स अगर एब्सेंट होगा, कोई भी चीज लेस डेवलप्ड होगी, जैसे कि ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम्स है, गॉल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है अगर एब्सेंट हो गए किसी सेल्स के अंदर, ठीक है, तो वो किसमें आएगा, लेस डेवलप्ड, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो अगर यूकैरियोटिक सेल्स में हम क्या देखेंगे, वेल डेवलप्ड, मतलब कि सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म वेल डिफरेंशिएट है, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोला, यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने किस किस को रखा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने बैक्टीरिया को रखा, बैक्टीरिया लेस डेवलप्ड स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया की, ठीक है। सेकंड किसको रखा, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए साइनोबैक्टीरिया, किसको रखा, प्रोकैरियोट्स के अंदर रखा। जो भी मोनेराज होते हैं, डिफरेंशिएट किया था इसको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को, मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी एनिमिलियम एंड फंजाई के अंदर, ठीक है। तो वो मोनेराज वगैरह, मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो किसमें आएंगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर आएंगे, और बाकी के किसमें आएंगे, यूकैरियोट्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अगर हम यूकैरियोट्स को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, ये देखते हैं, सेल इसको डिफरेंशिएट किया प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स में हमने लिया मोनेरॉन्स, इसके अंदर क्या है, यू बैक्टीरिया
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म है वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस में जो प्लाज्मा साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हमने क्या बोला? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के बाहर का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएट नहीं होते। मतलब कि वो मिक्स हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं है तो क्या होगा? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएंगे तो वो डिफरेंशिएट नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएट नहीं होते, ठीक है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं इसे। इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड, जिस न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएट नहीं होते, उसको हमने क्या बोला? इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसको क्या बोला हमने? न्यूक्लियोइड बोला। अब इसमें क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। वो एब्सेंट होती है। सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स कौन से वाले होते हैं? 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या है? सेल प्रिमिटिव टाइप की है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएट नहीं है, इसको हमने क्या बोला? इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड बोला। सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, 70S का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब यूकेरियोट्स में हम देखते हैं, यूकेरियोटिक सेल में किसको बोलेंगे? यूकेरियोटिक सेल्स वो सेल्स जो कि वेल डेवलप्ड टाइप की है। ये सेल्स वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप टाइप की होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। सेल ऑर्गेनेल्स कौन सी आ गई? माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया, ठीक है, लाइसोसोम आ गया, राइबोसोम आ गया, ठीक है, एक्सेट्रा। माइक्रोबॉडीज आ गई, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गए, वो किसमें हो गए? वो प्रेजेंट हो गए यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए के साथ में हिस्टोन बाउंडेड रहेगा, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बाउंडेड रहेगा। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? इस तरह से कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जो कि बीच बीच में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, जिसको हमने क्या बोला? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट रहता है डीएनए, ठीक है, उसको हमने क्या बोला? हिस्टोन प्रोटीन से
माइक्रोमीटर की इसकी साइज हो सकती है। तो यह है एक सेल की साइज। प्रोकैरियोटिक सेल्स है जिसके अंदर 1 से 10 माइक्रोमीटर होगी। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर लार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स इज बहुत सारे प्रेजेंट है। तो इसकी क्या होगी, 10 से 100 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज हो सकती है। सेकंड हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल होगी वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। सेलुलोज की होगी? नहीं, सेलुलोज की नहीं होगी। किसकी होगी? म्यूरेमिक एसिड। किसकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है? म्यूरेमिक एसिड की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन ब्लू क्रीम एंटी के अंदर कुछ सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज सेल वॉल होगी, ये सेल है, ठीक है। सेल वॉल क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन के बाहर से सेल वॉल पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम सेल वॉल बोल रहे हैं। लेकिन क्या होता है, ये सेल वॉल एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट रहती है। प्लांट सेल्स में होगी? हाँ होगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया के अंदर होगी? हाँ होगी। लेकिन क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये सेल वॉल एब्सेंट रहती है। इसको हमने क्या बोला, आउटर कवरिंग को सेल वॉल। सेलुलोज एब्सेंट होगा इसके अंदर, म्यूरामिक एसिड की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। किसकी? म्यूरामिक एसिड की। और ब्लू ग्रीन एल्गी सब सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसके अंदर प्लांट्स में, प्लांट सेल किसकी बनी हुई होगी? सेल वॉल सेलुलोज की। और एनिमल सेल में सेल वॉल तो एब्सेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती है एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, इसमें थर्ड देखेंगे। थर्ड किससे देखेंगे? कैप्सूल। कैप्सूल क्या होगा? आउटर कवरिंग होगी कैप्सूल की, ठीक है। तो वो किसमें प्रेजेंट होगी? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। हाँ प्रेजेंट होगी, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई होगी। किसकी बनी होगी? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कैप्सूल की लेयर बनी हुई होगी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। और बाकी इसमें यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कैप्सूल एब्सेंट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में देखते हैं, फोर्थ है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हम क्या देखेंगे? स्ट्रीमिंग मूवमेंट। स्ट्रीमिंग मूवमेंट कर सकता है ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। किसमें प्रेजेंट होगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा? नहीं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा? हाँ। तो क्या देखेंगे? स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ स्ट्रीमिंग मूवमेंट एंड एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो कि अंदर ले रहा है किसी भी पार्टिकल्स को, फूड पार्टिकल्स को। एक्सोसाइटोसिस जो बाहर ले जाए, ठीक है। एंडो और एक्सोसाइटोसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होगी और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में देखते हैं, फिफ्थ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस से बाउंडेड रहता है, सिक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोटीन की फोल्डिंग होती है वहां पर, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो में डिवाइड होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट रहेंगे उसको हमने क्या बोला? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा? नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहेंगे। तो यहां पर एब्सेंट होगा, यहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है।
वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे और आगे हम देखते हैं सारे अंगुलीज हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए। क्या देखे जा रहा है क्लोरोफिल, क्या देखे जा रहा है, कलर देखे जा रहा है, एक पिगमेंट देखे जा रहा है, ठीक है, कौन सा, ग्रीन कलर। और हमने देखा इसमें फोटोसिंथेसिस के टाइम पर पिगमेंट्स होते हैं वो कौन से, इसके अंदर बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी की फॉर्म में, ठीक है। अब इसके अंदर प्लांट सेल्स के अंदर हम देखेंगे बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है, इसके अंदर बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है, जैसे कि फाइटोपीडियंस होता है, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। और इसमें अब हम देखते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर होगा क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम हो गया,
मोस्टली लीनियर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई डीएनए की स्ट्रक्चर। डीएनए के स्ट्रक्चर से हम इसको बता सकते हैं, स्पिंडल एपरेटस हमने बता दिया, और मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे हम इसको बता सकते हैं कि एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक होगा यूकेरियोट्स के अंदर, प्रोकेरियोट्स में एरोबिक भी हो सकता है, एनएरोबिक भी हो सकता है। तो इस तरह से क्या है, हमने प्रोकेरियोटिक सेल्स को डिफरेंशिएट किया है, जिसमें हमने क्या क्या देखा, साइज देखी, इसकी साइज देखी, साइज बहुत छोटी होती है प्रोकेरियोटिक सेल्स में, यूकेरियोट्स में बहुत ज्यादा होती है। सेलवॉल देखा, सेलवॉल क्या होता है, म्यूरामिक एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है, और इसके अंदर प्लांट सेल्स में सेलुलोज से मिलकर बना होता है। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होती है सेल वॉल। और क्या है, कैप्सूल, कैप्सूल किसके अंदर प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा, लिपोपॉलीसेकेराइड, और इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। साइटोस्केलेटन, अमीबा, अमीबा के अंदर साइटोस्केलेटन मतलब कि कोई भी शेप लेके जा रहा है, इस तरह से कोई भी शेप हो सकती है, नहीं ना, ठीक है, इस तरह से कोई भी शेप हो सकती है अमीबा की। तो इसमें क्या है, साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट हो रहा है, एंडो और एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, वो क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा और इसमें प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सारे जो सेल ऑर्गेनिज्म है वो किसमें होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम्स 70S टाइप का होगा, इसके अंदर 80S टाइप का होगा। वैक्यूल्स होंगे, वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट रहेंगे, प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, बहुत छोटे साइज के प्रेजेंट रहते हैं, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स लार्ज साइज के प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस करके जा रहा है, वो बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल, बैक्टीरियल क्लोरोफिल हो सकता है, फाइकोबिलियंस, इरिथ्रोमाइसिन कोई भी, और ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए, प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी। रेस्पिरेटरी एंजाइम है, वो इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है। फ्लैजेला है, फ्लैजेला है वो 9+2 की अरेंजमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, और इसमें भी एनिमल्स के अंदर 9+2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फ्लैजेला एब्सेंट होता है, प्लांट्स का मूवमेंट लोकोमोशन होता है, नहीं होता, ठीक है, तो इसमें फ्लैजेला एब्सेंट रहेगा। सेल डिवीजन है, स्पिंडल फाइबर्स एब्सेंट रहेंगे और उसमें प्रेजेंट रहेंगे। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इसमें साइटोप्लाज्म में होगा, यूकैरियोट्स में क्या होगा, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लियस के अंदर, मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर के थ्रू मूव करके किसमें आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होगा, वहां पर उसका ट्रांसलेशन होगा। तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का। इसमें क्या हो सकता है, मेटाबॉलिज्म एरोबिक और एनएरोबिक दोनों हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, दोनों एरोबिक हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। अब हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्राम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसका, तो हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम को देखेंगे, फिर बाद में हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंशिएशन है। पहले हम इसका देख रहे हैं बैक्टीरिया का, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स का। अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, क्या क्या एब्सेंट रहेगा, वो हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहती है या फिर एब्सेंट रहती है।
सेंटर में प्रेजेंट नहीं होगा प्लांट सेल्स के अंदर, क्यों? वैक्यूल्स की वजह से। और एनिमल सेल्स के अंदर कहां होगा? सेंटर के पास में, सेंटर में ही प्रेजेंट होगा। प्लांट सेल्स में पेरिफेरी पर प्रेजेंट होगा, क्यों? क्योंकि वो वैक्यूल्स, उसके अंदर बहुत लार्ज साइज के वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो हम पहले न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर कौन प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने किसमें किसमें डिफरेंशिएट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफरेंशिएट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने क्या बोला? जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? जिसमें प्रेजेंट होंगे राइबोसोम्स, उसको हमने क्या बोला? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सपोज ये जो मैंने डॉट से डिनोट किया है उसको हमने क्या डिनोट किया? राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो इसको हमने किया क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसपे राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस। और यहां क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, ये हमने बनाया पहले न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसमें वैक्यूल्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं। ये है वैक्यूल, लार्ज साइज में वैक्यूल्स प्रेजेंट है प्लांट सेल्स के अंदर। ठीक है, और फिर बाद में हम देखते हैं
में मटेरियल प्रेजेंट है, सेम वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन वो किसमें प्रेजेंट होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये कौन सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके ऊपर, ये है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स को यहाँ डिनोट करते हैं ताकि हम वेसिकल्स को फ्यूज होते हुए बता सके, ये है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर ये वेसिकल्स है जो कि गॉल्जी से निकल रही है, ठीक है। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स और सिक्रेटरी वेसिकल्स। अब हम बनाएंगे इसके अंदर क्या बनाएंगे, सीलिया प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, एनिमल सेल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सीलियम प्रेजेंट रहता है, सीलियम, सीलियम, और इसको हमने क्या बोला, माइक्रोवलाय, ठीक है। ये हुई एनिमल सेल, और अगर यहां से कोई सेल्स मतलब कि कोई भी फूड मटेरियल है वो अंदर आ रहा है, फूड मटेरियल नहीं बोल सकते, लिक्विड मटेरियल है जो कि अंदर आ रहा है, उस प्रोसेस को हमने बोला पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। फूड मटेरियल अंदर आ रहा है उसको फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पिनोसाइटिक वेसिकल, पिनोसाइटिक वेसिकल, यहां क्या हुआ, न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, गॉल्जी बॉडी, सिक्रेटरी वेसिकल्स, और यहां पे क्या आ गया, सीलियम, सीलियम के बाद में ये माइक्रोवेलाय, माइक्रोवेलाय आने के बाद में लाइसोसोम्स इसमें प्रेजेंट होगा, यूकेरियोट्स में वेल डेवलप्ड लाइसोसोम्स प्रेजेंट होंगे, लाइसोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, एटीएस टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। और यहां क्या हम लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, इसको हमने क्या बोला, मेम्ब्रेन फोल्ड, इसे हमने बोला मेम्ब्रेन फोल्ड रहते हैं, मेम्ब्रेन फोल्ड है, यहां क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है बहुत सारे, इसको हमने क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इसमें हेल्प करके जा रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प करके जा रहा है, ठीक है। यहां क्या है, लाइसोसोम, जो कि प्लांट सेल्स के अंदर क्या था, प्लांट सेल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट था, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोल, ठीक है। ये क्या है, राइबोसोम्स, एटीएस टाइप के, ये क्या है, सिक्रेटरी वेसिकल्स, ये क्या है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, ये है आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है न्यूक्लियोलस, ये क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, और कौन कौन से हैं, न्यूक्लियर एनवलप, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहेंगे यहां पर, क्या मैं
सेंट्रियोल्स, जो कि किसमें प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहता है. सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहेंगे. यहां क्या है, डेस्मोसोम. ठीक है, ये क्या है, एनिमल सेल्स की ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है. ठीक है, यहां पर नीचे ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर क्या है, सेल वॉल एब्सेंट रहती है और प्लाज्मा डेस्मेटम, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स थे वो एब्सेंट है. प्लांट सेल्स के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, और यहां पर क्या है, बेसल मेम्ब्रेन. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बेसल मेम्ब्रेन, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है. ठीक है, पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटिक वेसिकल्स है, सीलियम प्रेजेंट है, माइक्रोवेलाइ है, सिक्रेटरी वेसिकल्स है. इस तरह से क्या है, ये एनिमल्स की स्ट्रक्चर है. प्लांट सेल्स में कैसे डिफरेंशिएट हुई, सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में एब्सेंट है. लाइसोसोम प्रेजेंट है इसमें, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो प्लांट सेल्स में एनिमल सेल्स में किस तरह से डिफरेंशिएशन है वो हमने अभी पढ़ा. प्लाज्मा डेस्मेटा किसमें प्रेजेंट था, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट था. एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, नहीं है, एब्सेंट है. इसके अंदर वैक्यूल्स, वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे भी तो एकदम स्मॉल अमाउंट. प्लांट सेल्स में क्या था, बहुत ही लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये है एनिमल सेल्स की स्ट्रक्चर. प्लांट सेल्स में हमने देखा कि स्टोरेज किसमें, किस फॉर्म में हो रहा था, स्टार्च की फॉर्म में हो रहा था. एनिमल सेल्स में स्टोरेज किस फॉर्म में होगा, जो भी चीज स्टोरेज होती है वो किस फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन फॉर्म में होती है. ठीक है, तो ये क्या है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का डिफरेंशिएशन. हमने बैक्टीरिया का डिफरेंशिएशन पढ़ा, प्लांट सेल्स का पढ़ा, अब क्या है एनिमल सेल्स का. इसमें क्या प्रेजेंट है, प्लांट सेल्स से किस तरह से डिफरेंशिएट है. तो ये होगी वेल डेवलप, इसका डायग्राम हो गया. ने डायग्रामेटिकली अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया इसे. अब हो गया सेल का, आगे हो गया. अब हम पढ़ेंगे आगे, हम क्या पढ़ेंगे आगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है. ठीक है, सेल वॉल हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सेल वॉल हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, तो एनिमल सेल्स में तो सेल वॉल एब्सेंट रहेगी. तो हम क्या पढ़ेंगे आगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे. सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो भी, उनको अच्छे से डिफरेंशिएट करेंगे. उसको डिफरेंशिएट करेंगे मतलब कि उसके अंदर उसकी स्ट्रक्चरल, उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज को देखेंगे. उसमें स्ट्रक्चर कैसी है, वो क्या क्या फंक्शन करके जा रहा है. ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होता है. माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने बनाया है, तो इस तरह से बना दिया. ये है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो इसको वेल डेवलप स्ट्रक्चर के पे देखेंगे हम कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया ये हमने इस तरह से क्यों बनाया. ये दो मेम्ब्रेन बनाई, अंदर वाली इस तरह से फोल्डेड फॉर्म में बनाई. ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स को अलग से, इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के फॉर्म में. ठीक है, थैंक यू.